Hello and welcome back everyone. Now let's see the last iteration which is for loop. So for loop जो है इसको भी three parts में categorize किया जाता है. First is the simple for loop. Okay, simple for loop. Second is the for each, और for each भी बोलते हैं या फिर इसको enhanced भी बोलते हैं, enhanced loop. एंड थर्ड इज द लेबल्ड फॉर लूप, लेबल्ड फॉर लूप. ओके, सो राइट नाउ वी आर ओनली स्टडिंग अबाउट सिंपल फॉर लूप. सिंपल फॉर लूप की स्टडी हम अभी करेंगे और एज एन व्हेन जब हमें रिक्वायर्ड होगा देन उस टाइम पे हम फॉर ईच और लेबल्ड फॉर लूप का भी यूज करेंगे. ठीक है, फॉर सिंपल फॉर लूप में आप जो अभी हम स्टडी करेंगे, बट फॉर ईच और एनहेंस में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एरे को एज जो है इनपुट के तौर पे फॉर लूप में प्रोवाइड किया जाता है. एंड लेबल्ड फॉर लूप जो है जनरली जहाँ पे नेम कंसिडर्स होते हैं या फिर जहाँ पे आप नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करते हैं, मीन्स एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं फॉर लूप की, तो उसे बोलते हैं लेबल्ड फॉर लूप. बट राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट सिंपल फॉर लूप. सो कमिंग टू द इटरेशन पार्ट, इटरेशन में हमने अब तक व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप पढ़ा, अब फॉर लूप स्टडी करेंगे. सो अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप जो है आपको इटरेशन मीन्स रिपीटेशन जो है एक कंसाइज मैनर में प्रोवाइड करता है, जबकि व्हाइल और डू व्हाइल लूप ऐसा प्रोवाइड नहीं करते हैं. व्हाइल और डू व्हाइल में सिर्फ जो है कंडीशन पार्ट होती है और इंक्रीमेंट या फिर उस पर्टिकुलर रिपीटेशन को जो है एनहेंस करने के लिए, रिपीटेशन को बढ़ाने के लिए आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है अलग से करना पड़ता है. बट कमिंग टू द फॉर लूप में सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन एंड देन इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल. दैट्स वाई ये एक कंसाइज मैनर है किसी भी प्रोग्राम में इटरेशन को परफॉर्म करने के लिए. सो लेट्स सी द सिंटैक्स फर्स्ट. सो व्हाट इज द सिंटैक्स, सिंटैक्स हियर इज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ओके, सो द सिंटैक्स हियर इज फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो फॉर कीवर्ड क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड कीवर्ड है, मींस इसका एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते. एंड देन ब्रैकेट में हमें थ्री पैरामीटर्स को पास करना होगा. फर्स्ट पैरामीटर है इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और उसको इनिशियलाइज भी करोगे, मीन उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे. कौन से वेरिएबल को, जिस वेरिएबल पे आप कंट्रोल चाहते हो, जिस वेरिएबल के जरिए आप रिपीटेशन परफॉर्म करना चाहते हो. ठीक है, एंड देन फिर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ जिस भी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है उसके आप ऊपर आप जो है कंडीशन लगाएंगे. लेट्स से वेरिएबल आपके पास एक्स है, तो आपने वेरिएबल इस तरह से प्रोवाइड किया, इंट एक्स इक्वल टू जीरो. देन एक्स इज अ वेरिएबल, उसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जीरो, एंड देन एक्स पे कंडीशन लगा दी, लेट्स से एक्स लेस देन फाइव, तो एक्स जीरो से लेकर फाइव तक चलेगा, ये कंडीशन हो गई. एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट होता है. यहाँ पे सिर्फ मैंने इंक्रीमेंट लिखा है, बट इंक्रीमेंट के अलावा आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं. तो जनरली जो थर्ड पार्ट होता है उसको आप समझ सकते हैं कि ये अपडेशन वाला पार्ट है. यहाँ पे हम वेरिएबल को अपडेट करते हैं आइदर इंक्रीमेंट करके और आइदर डिक्रीमेंट करके. ओके, सो थ्री पैरामीटर्स इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे फॉर कीवर्ड के साथ. फर्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट, जहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर और उसको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी. सेकंड इज द कंडीशन पार्ट एंड थर्ड इज द अपडेशन पार्ट. अपडेशन पार्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा. यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है. व्हाई इट इज ऑप्शनल, बिकॉज इसको हम जो है फॉर लूप के ऊपर जो है फॉर लूप के अबव लाइन ऑफ कोड्स में भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो जब आप इसको ऑप्शनल रखेंगे तो मान लीजिए आपने ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया, इसको कहीं ऊपर में आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, देन आप क्या करेंगे, सिंपल सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो फॉर लूप में आप इस तरह से उस यूज़ करेंगे, अगर आपने इनिशियलाइजेशन स्किप किया है तो सेमी कॉलन, देन कंडीशन, देन कंडीशन के बाद सेमी कॉलन, एंड देन उसके बाद ये अपडेट वाला पार्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट. आ रहा है समझ में? एंड देन इनसाइड द फॉर लूप की ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, मींस इसका कोड ब्लॉक होगा. अब ये कोड ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा,
जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन आप क्या करोगे, इसके अंदर इस फॉर लूप के अंदर आके इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे एंड देन फिर आप वापस जाके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करोगे, मीन्स वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे एंड देन वापस से कंडीशन चेक करोगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन वापस कोड ब्लॉक को रन कराएंगे और फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे। तो ये साइकिल जो है परफॉर्म होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। नाउ लेट्स लुक एट द फ्लो डायग्राम। सो फॉर लूप का ये स्टार्ट है। स्टार्ट के बाद फॉर लूप के सब पैरामीटर में सबसे फर्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है INIT, तो आप INIT मीन्स इनिशियलाइजेशन समझ सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है एंड देन आफ्टर कंडीशन चेक किया हमने, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप के अंदर जो भी कोड ब्लॉक होगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन उसके बाद आइदर वी कैन परफॉर्म इंक्रीमेंट और वी कैन परफॉर्म डिक्रीमेंट, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार उस वेरिएबल को अपडेट करेंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे। फिर कंडीशन ट्रू हुई, फिर कोड ब्लॉक को रन कराया, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म किया एंड देन फिर कंडीशन चेक की। ये साइकिल जो है चलती रहती है। सो फॉर लूप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको ये मालूम है कि इटरेशन जो है, नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है वो फिक्स है, लेट्स से आपको 5 times ही रिपीट करना है, तो उस केस में फॉर लूप जो है सबसे बेटर यूसेज हो सकता है आपके लिए कंपेयर टू व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन आप फॉर लूप से डायरेक्टली जो है एग्जिट कर जाओगे, फॉर लूप से बाहर आ जाओगे। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर वे ऑफ यूजिंग फॉर लूप। तो सिंटैक्स हमने देख लिया, इसके फ्लो डायग्राम को भी स्टडी कर लिया एंड नाउ लेट्स लुक एट अ प्रोग्राम। लेट्स सी अ वेरी सिंपल प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो मैंने यूज किया है वो कमेंट है, यूसेज ऑफ फॉर लूप जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कि ये जो प्रोग्राम है उसमें मैं फॉर लूप कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, क्योंकि कोई भी जावा प्रोग्राम विदाउट क्लास पॉसिबल नहीं है, तो क्लास एंड देन क्लास का नेम। तो क्लास का नेम मैंने क्रिएट किया है फॉर लूप, जिसमें फॉर में एफ कैपिटल है, एल में लूप में एल कैपिटल है, ठीक है, एंड देन ये क्लास की बॉडी है। आफ्टर दैट इनसाइड द क्लास मेन मेथड हमने डिक्लेयर किया है। वाई मेन मेथड, बिकॉज एवरी जावा प्रोग्राम हैज वन मेन मेथड, एक मेन मेथड का होना जरूरी है हर एक जावा प्रोग्राम में। एंड देन मेन मेथड के साथ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, बिकॉज इसकी विजिबिलिटी जो है मैं थ्रू आउट दी क्लास रखना चाहता हूँ। स्टैटिक, क्योंकि मैंने इस मेन मेथड में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। एंड देन void, बिकॉज इट डज नॉट रिटर्न anything, एंड देन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। स्ट्रिंग आर्गूमेंट मीन्स कमांड लाइन आर्गूमेंट, जस्ट टू प्रोवाइड द इनपुट एट द कमांड लाइन। एंड देन दिस इज द बॉडी ऑफ द मेन मेथड, ये मेन मेथड की बॉडी है। अब मेन मेथड में मैंने डायरेक्टली जो है फॉर लूप का यूज़ किया है, तो फॉर कीवर्ड से और ब्रैकेट में 3 parameters को पास किया है और 3 parameters के बीच में सेमी कॉलन जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, एज अ गैप जो है यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर में मैंने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म किया है। इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल आई को मैंने डिक्लेयर किया है एज अ इंटीजर टाइप और उसको इनिशियलाइज किया है वैल्यू 0। ओके, मीन्स आई के अंदर 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है एंड देन कंडीशन प्रोवाइड की है आई इज लेस देन 5। डेफिनेटली आई लेस देन 5 है। एंड देन इंक्रीमेंट पार्ट, इंक्रीमेंट मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट जो है यूज किया i++। सो पोस्ट इंक्रीमेंट कब होगा, जब आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे, मींस आप कंडीशन चेक कर लोगे, इसके अंदर के पार्ट को रन करा लोगे एंड देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में इंक्रीमेंट परफॉर्म करोगे। सो यहाँ पे i 0 है तो हम इसको चेक करेंगे 0 less than 5। यस, 0 less than 5, तो हम इसको फॉर लूप के बॉडी के अंदर आएंगे एंड देन इसको स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे system.out.println एंड इसके ब्रैकेट में मैंने आई एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। सो व्हाट विल हैपन, जब आप इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद कंपाइल करोगे एंड देन उसको रन करोगे तो अब मॉनिटर पे आपको आउटपुट में शो होगा। सबसे फर्स्ट मैं आउटपुट को 1 by 1 शो कर रहा हूँ, बट ये एक ही टाइम पे सारे आउटपुट आपको शो कर देगा, मतलब टोटल जितनी भी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो 0 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, मीन्स फर्स्ट आपको प्रिंट होगा 0। ओके, देन फिर वापस
प्रिंट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट पार्ट पे। अब जीरो से इसको वन इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या वन फाइव से लेस है, डेफिनेटली लेस है, ये ट्रू है, तो फिर से हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो इससे प्रिंट हो जाएगा वन। देन अगेन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट पे जाएंगे, आई को वन से टू इंक्रीमेंट कर देंगे एंड देन कंडीशन चेक करेंगे, टू इज लेस देन फाइव, यस इट इज लेस देन फाइव, तो फिर से अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और टू प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किया थ्री, चेक द कंडीशन, थ्री लेस देन फाइव, यस इट इज लेस देन फाइव, तो थ्री प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन इंक्रीमेंट फोर, चेक द कंडीशन, फोर लेस देन फाइव, यस इट इज लेस देन फाइव, तो यहाँ पे फोर आपको आउटपुट में शो होगा। देन अगेन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किया फाइव, चेक द कंडीशन, हाँ अब यहाँ पे जो है फाइव लेस देन फाइव जो है वो फॉल्स है, फाइव जो है फाइव से छोटा नहीं होता है, अगर यहाँ इक्वल होता तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आउटपुट में फाइव शो हो जाता है, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन का ही साइन है सिर्फ, तो फाइव लेस देन फाइव इट इज़ फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर लूप से इसकी बॉडी के बाहर आ जाएंगे, मीन्स इस मेन मेथड के क्लोज कर्ली ब्रेसेस पे आ जाएंगे एंड देन यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, देन अगेन इसके नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। ओके सो इस तरह से फॉर लूप का यूज़ किया जाता है इन जावा लैंग्वेज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये एक सिंपल फॉर लूप है, मीन्स इसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली इसको जो है अप्लाई कर सकेंगे इन फ्यूचर, बट एनहेंस्ड फॉर लूप मीन्स फॉर ईच फॉर लूप एंड देन वन मोर थिंग इज लेबल्ड फॉर लूप, इसके लिए भी जो है हम लेटर ऑन वीडियोज में इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि फॉर ईच लूप क्या होता है एंड लेबल्ड फॉर लूप क्या होता है। ओके सो राइट नाउ दिस इज द होल आइडिया ऑफ इटरेशन कॉन्सेप्ट इन फ्लो कंट्रोल। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट with a jump concept.